हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है ज्योति की किचन में। बनाई है आज राजमा की रेसिपी। तो मैंने इसको बहुत इजी वे में बनाया, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये बहुत डिलीशियस बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ इंजॉय करिए। अगर रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तक आए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। तो आज हम बनाएंगे राजमा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी राजमा लिया है फ्रेंड्स, और इनको मैंने पूरी रात भिगो के रखा हुआ था। और ये मैंने अच्छे से इसका पानी निकाल के एक दो बार इसको धो लिया है, वापस से बिल्कुल साफ कर लिया मैंने इसको। तो अभी हम इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, इसको इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, जिनको मैंने कट कर लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और 7-8 लहसुन की कलियां हैं, इनको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मैंने 2 टमाटर कट कर लिए, वो भी इनके अंदर ऐड कर देंगे। और 1 बड़ी इलायची मैं इसके अंदर डालूंगी। और छोटा सा मैंने यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और 6 से 7 हरी मिर्च इसके अंदर डाल लेंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो अभी मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 गिलास पानी, वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अगर हमें लगेगा कि पानी की क्वांटिटी कम है तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो हमारा जो राजमा है वो अच्छे से इसके अंदर डीप हो गया पानी के, तो हम अभी इतने पानी में ही इसको बॉईल कर लेंगे। और इसके अंदर डालूंगी मैं 1 चम्मच नमक, जिससे कि हमारा जो राजमा अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसको गैस पे रख के 4 से 5 सीटी अच्छे से मीडियम फ्लेम पे लगा लेंगे, जिससे कि हमारा राजमा अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए हमारा राजमा अच्छे से बॉईल हो गया, मैंने इसके अंदर 5 विसिल लगाई है फ्रेंड्स। तो अभी जो हमने इसके अंदर बड़ी इलायची और दालचीनी डाली थी, हम उसको निकाल लेंगे। और अब हम जो इसके अंदर ये हमने टमाटर प्याज वगैरह डाली है, इनको अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से गल गया है और ये अच्छे से इसके अंदर आराम से मिक्स हो गया। अब हम राजमा के लिए तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है, उसके अंदर डालूंगी मैं मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है फ्रेंड। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, इसके अंदर डालेंगे हम जीरा और डालूंगी थोड़ा सा हींग। और ये हमारा जीरा अच्छे से यहाँ पे भुन गया है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर की प्यूरी बनाई है, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और इसके अंदर डालूंगी मैं 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और हम यहाँ पे इसके कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो लूंगी मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला। और अच्छे टेस्ट और फ्लेवर के लिए इसके अंदर डालूंगी मैं 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक। तो नमक हमने बॉईल करते टाइम भी डाला था, तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम अब यहाँ पे भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे मसाला बनके अच्छे से रेडी हो गया, ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो जो हमने राजमा बॉईल किया वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ग्रेवी आपकी थोड़ी टाइट है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा, मुझे लग रही है कि मेरी ग्रेवी थोड़ी टाइट है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा 1/2 गिलास पानी गर्म करके ऐड कर लेती हूँ फ्रेंड। तो मैंने इसके अंदर ऐड किया 1/2 गिलास पानी फ्रेंड, देखिए। और अब इसको यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, जिससे कि ग्रेवी और राजमा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और एक बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारी यहाँ पे बनके रेडी हो जाए। तो चलिए हम इसको ढक के पका लेंगे। तो देखिए हमारा राजमा अच्छे से बन गया है, इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे। वाओ, देखना एकदम लग रहा है ना कितना प्यारा कलर और कितना देखने में टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो एकदम बन के रेडी हो गया हमारा सुपर इजी टेस्टी राजमा। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर ट्राई करें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।